हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉन्ग अकेडमी पर। दोस्तों, टीचर किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या इसके लिए आपको कोर्स करना होता है, क्या शैक्षिक योग्यता होती है, क्या ट्वेल्थ पास भी टीचर बन सकता है या ग्रेजुएट पास भी टीचर बन सकता है, इस वीडियो में हम आपको पूरी बताएंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, प्रत्येक कोर्स के बारे में बताएंगे और कोर्स करने के बाद आपको क्या करना होता है ताकि आप गवर्नमेंट टीचर बन सके। तो दोस्तों, देख लेते हैं वीडियो को। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करने के बाद आप इसे शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि टीचिंग से जुड़ी हुई सभी संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा उपलब्ध रहेंगी। दोस्तों, जो दोस्त हमारी बीएड की लगातार क्लासेज कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद उनके लिए। और जो दोस्त किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें उसकी जानकारी नहीं है किस कोर्स के लिए क्या योग्यता है, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर जा कर के आप देख सकते हैं किसी भी एग्जाम की जानकारी, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर्स पेपर, सभी जानकारी somacademy.org पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक बार वेबसाइट पर जाकर अपना चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो में टीचर किस प्रकार से बना जाता है, कौन से कोर्स आपको करने होते हैं, पूरा हम आपको डिटेल से समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर NTT से। देखिएगा NTT क्या होता है, अर्थात ये होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। तो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो है प्रत्येक राज्य में कुछ सीटें होती हैं, प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होती हैं, वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य के लिए अलग अलग इसकी सीटें होती हैं। उसके लिए आपके आवेदन फॉर्म निकालता है राज्य स्तर पर, कुछ राज्य में जून जुलाई में निकल जाते हैं, कुछ राज्य में सितंबर अक्टूबर में निकलते हैं, तो कुछ राज्य में जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म निकलते हैं। तो इसके लिए जो कुछ राज्यों में, जैसे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह में इसकी जो योग्यता है वो 12th पास आपका होना चाहिए, अर्थात 12वीं पास स्टूडेंट NTT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, अर्थात यूपी में जो NTT की सीट है, उस पर आप केवल ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए यदि आप यूपी के कैंडिडेट हैं। अदर राज्य की यदि हम बात करें तो 12th पास स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कोर्स के लिए जो निर्धारित योग्यता हमने आपको बता दी है, और 50% आपके अंक होने चाहिए ग्रेजुएशन में यदि ग्रेजुएशन से करना है, 12th में यदि 12th से आपको करना है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी योग्यता की बात। अब बात आती है जॉब किस प्रकार से मिलती है। तो जॉब के लिए हम आपको बता दें कि इसके लिए जो है अलग से ही वैकेंसीज आती हैं, वो आपकी सरकार, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितने वर्षों में कितनी वैकेंसीज आपके लिए आती हैं। तो इस प्रकार से NTT के द्वारा भी आपकी नौकरी लग सकती है। अब बात कर लेते हैं BP एड की। तो दोस्तों, NTT का क्लियर कर दिया है हमने आपका डाउट, अब बात कर लेते हैं BP एड की। तो BP एड के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो BP एड की डिग्री के द्वारा आप जो हैं खेल प्रशिक्षक बन सकते हैं, अर्थात PTI जिन्हें हम बोलते हैं, स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा PTI, PT या खेल से संबंधित या शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो आपको जानकारी देते हैं, वो BP एड के माध्यम से आपके बन सकते हैं। तो BP एड एक यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग जो है इसकी फीस है। यदि फीस की बात की जाए तो यहाँ पर हम जो कहेंगे 25,000 से आपकी जो है 50,000 तक इसकी फीस है। तो ये जो 2 वर्षीय कोर्स है आपका BP एड का, इसे आप ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता इसके लिए ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स उपलब्ध होता है, तो अच्छा कोर्स माना जाता है उन दोस्तों के लिए जो अपनी रुचि खेल से संबंधित कार्यों में रखते हैं, भाग दौड़ या व्यायाम के बारे में रखते हैं।
तो BPL के द्वारा आपको जो है PTI या खेल प्रशिक्षक इस तरीके की आपकी कोच वगैरह के लिए आपको अप्लाई किया जा सकता है और आपकी नियुक्ति वहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो मुख्य आपके सब्जेक्ट हैं जो जिनके द्वारा आप टीचर बनने की चाह रखते हैं, तो वो हैं आपके BEd और BTC, दो कोर्स आपके मुख्य रूप से उपलब्ध होते हैं। यह भी बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स जो है बेहतर है, कौन सा इनमें बेहतर है, कौन सा बेस्ट है। चलिए दोस्तों, यदि बात की जाए BTC और BEd में, तो BTC के लिए मैं आपको बता दूं कि BTC के लिए जो आपकी योग्यता है वो ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन के लिए आपको पास होना चाहिए और 50% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए, कम से कम अंक आपके 50% होने चाहिए। लेकिन ये केवल दो कैटेगरी के लिए अप्लाई है, जनरल और OBC के लिए। तो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो है 50% अनिवार्य कर दिए गए हैं ग्रेजुएशन में, यदि आपको BTC या DL Ed में एडमिशन लेना है। देखिए, कोर्स की यदि बात की जाए तो 2 वर्ष का आपका कोर्स है, 2 ईयर का आपका कोर्स होता है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में यह कोर्स उपलब्ध है, इसके लिए सरकारी और प्राइवेट दो तरीके के आपके कॉलेज होते हैं। यदि बात की जाए SC और ST कैंडिडेट की, तो केवल पास होना अनिवार्य है, केवल पास हो सकते हैं SC और ST कैंडिडेट, तो वो BTC या DL Ed में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप पास हैं और SC या ST कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग राज्य का अलग अलग प्रोसेस होता है। कुछ राज्य में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो दो तरीके से इसकी एंट्री होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कुछ राज्य में जो है इसके लिए जो है यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में जो है मेरिट लगती है। तो मेरिट जो है आपकी मेरिट की कट ऑफ लगती है और उसके द्वारा आपका एडमिशन होता है। दो प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा और मेरिट और कट ऑफ के द्वारा। कट ऑफ में यदि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन के आपके अंकों के आधार पर आपको काउंट किया जाता है कि आप, और फिर आपसे चॉइस फिल की जाती है कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। यदि आपके अंक अच्छे हैं तो आपको मनचाहा कॉलेज मिल जाता है, यदि अंक थोड़े कम हैं तो आपको उसी रैंक के अनुसार कॉलेज मिल जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक परीक्षा देनी होती है और परीक्षा में आपके स्कोर पर आपका जो है सिलेक्शन निर्भर करता है। तो ये 2 वर्षीय कोर्स है और इसके लिए आपका जो क्षेत्र है टीचिंग का, तो वो प्राइमरी टीचर आप बन सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर के लिए यह कोर्स काफ़ी अच्छा माना जाता है और जूनियर टीचर के लिए भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर लेवल के जो टीचर होते हैं वहाँ पर भी आप, अब योग्यता निर्धारित कर दी गई है NCTE के द्वारा। तो NCTE के द्वारा जो है आपकी योग्यता जो है, आप जूनियर लेवल के टीचर भी आप बन सकते हैं BTC या DL Ed के द्वारा। तो दोस्तों, ये BTC या DL Ed के बारे में हमने आपको बताया, अब बात कर लेते हैं BEd की। तो BEd के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि BEd जो हमारा मुख्य रूप से BEd का कोर्स काफ़ी प्रचलित है। प्राचीन काल से ही BEd में जो है काफ़ी मारामारी रहती थी, लेकिन कुछ वर्षों में क्या है कि BEd डिग्री धारक को लिए जो केवल जूनियर लेवल में ही अप्लाई कर सकते थे, और इसी कारण जो है BEd के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कमी आई। तो काफ़ी कम कैंडिडेट जो है BEd करने लगे और BEd की जो है सीटें खाली रहने लगी। उसी के मद्देनज़र देखते हुए 2018 में NCTE जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अर्थात टीचर की जो नियुक्ति होती है उसके मानक तय करती है NCTE, और उसी के कोर्स के लिए भी यही संस्था आपकी मानक तय करती है। तो उन्होंने जो है कोर्स पहले 1 वर्ष का होता था, अब 2 वर्ष का कर दिया गया है BEd, तो फिलहाल 2 वर्ष का है। और 2018 के बाद जो है इन्हें आपका प्राइमरी लेवल के जो आपके टीचर होते हैं उसमें BEd भी अप्लाई कर दिया गया 2018 के बाद। प्राइमरी टीचर की नियुक्ति के लिए BEd के जो कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लेवल में ऑलरेडी ये अप्लाई करते ही हैं, क्योंकि जूनियर लेवल में विशेष रूप से BEd वालों को लिया जाता है पहले से ही। तो यहाँ पर जूनियर और प्राइमरी लेवल में ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
यदि बात की जाए यहाँ पर किस प्रकार से एडमिशन होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, तो ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए, 50% कम से कम मार्क्स हों आपके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए केवल आपका पास होना ही अनिवार्य होता है। यदि बात की जाए एडमिशन की, तो इसका भी जो एडमिशन है वो 90% विश्वविद्यालय जो हैं एंट्रेंस के आधार पर करते हैं, लेकिन 10% विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जो आपकी कट ऑफ लगाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के लेवल पर। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसकी तैयारी करनी होती है, मुख्य रूप से यूपी बीएड जो है काफ़ी प्रचलित होता है, यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, तो उसके लिए हमने सभी जो राज्य के बीएड के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए हमने आपको एक वेबसाइट बता दी है somacademy.org, आप उस पर जाइएगा और प्रैक्टिस सेट वहाँ पर उपलब्ध है। तो अब बात आती है कि किस प्रकार से टीचर बनते हैं, तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो कौन सा कोर्स बेहतर है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बीटीसी या बीएड जो भी आपकी स्वेच्छा हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सलाह यही है यदि आपकी परसेंटी प्लस है तो आप जो है बीएड कर बीटीसी कर सकते हैं या डीएलएड भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है, डीएलएड बोल दो या बीटीसी। यदि आपकी परसेंटेज कम है, आपकी परसेंटेज 50% के आसपास है या उससे अधिक है, तो आप जो है बी एड के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है परसेंटेज के आधार पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती हैं, कट ऑफ लगाती हैं, तो इसलिए बीटीसी में जो है सूटेबल रहता है। अब बात कर लेते हैं टीचर कैसे बनते हैं, तो यदि आपके पास बीटीसी बीएड की डिग्री है, यदि आपके पास बीटीसी या बीएड की आपके पास डिग्री है, तो उसके लिए आपका जो है प्रतिवर्ष दो तरीके के आपके एग्ज़ाम होते हैं, केंद्र से एक होता है आपका सीटेट जो सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है, और एक होता है आपका स्टेट का टेस्ट जो प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग होता है, यूपी टेट, हरियाणा टेट, एमपी टेट, राजस्थान टेट, सभी के लिए अलग अलग होता है। सी टेट जो है सभी के लिए कंबाइन होता है, केवल एक ही टेस्ट होता है पूरे देश के लिए। तो यदि इसका जो स्कोर की बात की जाए, ये आपको क्वालिफाई करना होता है और ये भी आपको क्वालिफाई करना होता है, यदि आपने यह टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो आगे जो वैकेंसीज आपकी टीचर की निकलेंगे तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्वालिफाई करने होते हैं ये टेस्ट, दोनों ही टेस्ट आपको क्वालिफाई करने होते हैं यदि आपको भविष्य में टीचर बनने के लिए आपको जो है अप्लाई करना है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, यदि आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।